हाँ, ये सन्नाटा जो है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ, कैद भी हूँ और कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इस सन्नाटे को पसंद करती हूँ। लेकिन ये सन्नाटा इन्हें आगे शहर में और बाहर दुनिया में ना फैले, ये चाहती हूँ। और जी अपने को भी मैं व्यस्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। बचपन की पुरानी बातें, कुछ पुराने यादें, जैसे मैं अभी लिख रही थी, दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब हम लोग जशपुर में रहा करते थे। एक बार बहुत जोर का पानी आया और उसके साथ आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी और एक चपरासी था। अम्मा जो है पड़ोस के घर में गई थी। मैंने चपरासी से पूछा, दारा ये क्या गिर रहा है? उसने बताया ये ओले हैं, ओले। मैंने ओले का नाम पहली बार सुना था और देख के बड़ी खुशी हो रही थी, और मैं दौड़ दौड़ के ओले बीन रही थी और घर के सारे बर्तन मैंने भर दिए थे, दौड़ जी दौड़ के ला रही थी। वो मुझे मना कर रहा था कि मत भीगो, मत जाओ, मत ओले बीनो। मुझे लग रहा था कि अम्मा ने भी ओले नहीं देखे होंगे, अम्मा देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। और मैं जी उनके लिए सब ओले भर रही थी। थोड़ी देर में पानी बंद हो गया, अम्मा घर आ गई। जी अम्मा अम्मा मैंने आज ओले देखे हैं और ओले बर्तनों में भर लिए हैं। और जब मैंने बर्तन खोला तो वहां ओले नहीं थे, पानी हो गया था। जी तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने अम्मा को देखा और अम्मा को कहा, अम्मा मैंने पानी नहीं भरा था, ओले भरे थे, पानी कैसे हो गया? अम्मा हंसी मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा ऐसे ही होता है, ओले पानी हो जाते हैं। मैंने उनसे आश्चर्य से कहा कि जी कैसे होते हैं अम्मा? उन्होंने कहा, नहीं तुम नहीं समझ पाओगी, जब बड़ी हो जाओगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे ओले पानी हो जाते हैं। रात को मुझे, क्योंकि मैं बहुत भीग गई थी तो मुझे बहुत तेज बुखार भी आया। बहुत सालों के बाद जब मेरे बेटे का देहांत हुआ समर का, और मैं आंगन में खड़ी थी, तो मुझे एकदम अजीब सा लगा। और अम्मा की वो बात मुझे समझ में आई, ओले पानी कैसे हो जाते हैं। और मुझे समझ में आया, मुझे मालूम होना था ना कि ओले जी पानी हो जाते हैं। आज मुझे फिर लग रहा है कि दुनिया में ओले बरसे हैं, दुनिया दहशत में है। ये डरावने ओले सबको फिर से बीमार कर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप दौड़ दौड़ के मत बिनो, इनको मत दौड़ो, आप भीग जाओगे मेरी तरह, बुखार में आ जाओगे। मत दौड़ो, ये पानी हो जाते हैं, ये ओले हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कोरोना भी सदा नहीं रहेगा, ऐसे ही वो भी पिघल जाएगा, चला जाएगा। उस सन्नाटे से घबराना नहीं चाहिए जी और उसके जाने का इंतजार करना चाहिए। ये सारा सन्नाटा और जितना जो आज चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है सब पिघलेगी, घबराओ नहीं। अपने आसपास की बातों को देखो, समझाओ अपने प्रकृति को, उसको बचाओ, अपने घर के लोगों को बचाओ, घर में रहिए और इंतजार करिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए और हम लोग फिर से अच्छा वातावरण देखेंगे। हम फिर से, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि दहलीज को देखो, बाहर मत जाओ, घर में रहो, घर में सहो।